तो मूवी के ऊपर बात करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होनी चाहिए थी, जिसमें है राघव जुवाल, उसकी दूसरी मूवी है ये, और सिद्धांत चतुर्वेदी की पहली मूवी है एज ए लीड, लीड समझ रहे ना, हीरो, एक्शन हीरो सेटअप करने के लिए। और मालविका मोहन की भी पहली मूवी है बॉलीवुड में। कैसी है, क्या है मूवी के रिव्यू में बात करते हैं जल्दी से। तो मूवी की शुरुआत में हमें बैक स्टोरी दी जाती है युद्रा और उसके पेरेंट्स के बारे में कि उसके पेरेंट्स का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसकी वजह से युद्रा को 5 मिनट तक सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिला और बहुत मुश्किल से वो जिंदा बच पाया। और अब उसके अंदर एक ट्रॉमा सा फंस चुका है उस इंसिडेंट को लेके, मुझे समझ नहीं आया कैसे, बट मान लेते एक ट्रॉमा है उसके पास बचपन से, पैदा होने के 5 मिनट से, समझ रहे हो, शुरुआत से। तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाई जाती है कुछ पास्ट एक्सपीरियंस जो कि चाइल्डहुड में उसके साथ हुए युद्रा के साथ। उसके बाद वो रूथलेस होता गया, अपने स्टेप फादर कह सकते हो, उनसे दूर होता गया और आवारा होता गया। वो जो ट्रांजिशन सीन है, जो एक शॉर्ट था ट्रांजिशन, वो बहुत अच्छा था। और मूवी में क्या क्या अच्छा वो और क्या क्या बेकार है वो सब पता लग गया, चिंता मत करो। तो मूवी की शुरुआत में तुम्हें समझ आ जाएगा कि डायरेक्टर को रेड कलर से अलग प्यार है, क्योंकि जब भी वो ट्रांजिशन डाल रहा था वो रेड कलर डाल रहा था, बीच में व्हाइट कलर का ट्रांजिशन भी था मूवी के अंदर, बट मुझे लिटरली अभी तक नहीं पता है कि वो ट्रांजिशन व्हाइट या रेड क्यों थे, इतने रेड व्हाइट शायद पता नहीं चलेगा। तो मूवी शुरुआत के 5-10 मिनट में या 15-20 मिनट में कह सकते हो, पता नहीं चला टाइम का, उसमें सिर्फ अपने एक्सप्लोर करती है पास्ट को या चाइल्डहुड को कह सकते हैं युद्रा को, और कैसा है वो तुम जाके मूवी में देख सकते हो, इतना कुछ खास नहीं था, बट ठीक है मेरे को लगा था कि वहां से मूवी अपलिफ्ट होना चालू करेगी अगर ये अपने चाइल्डहुड को सेटअप कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू नो From his childhood, but ऐसा कुछ नहीं है, to be honest. और मूवी में आधे टाइम तो मैं इसी बात से कंफ्यूज था कि ये अर्पित वाला कहाँ से बार बार दिख रहा है मेरे को, फिर वही मीम याद आती है, ये भयंकर उन्होंने दिख जाता है ना, मुझे गुस्सा हो रहा है। और मेरे को भी ये मीम याद आई बहुत बार, क्योंकि उसको आर्मी कैडेट बनाने की कोशिश करी जाती है विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, वो गुस्से वाला है, चलो उसको एंट्रेंस एग्जाम के बिना आर्मी में डाल देते, ऐसा रहता पड़ा ना मेरी जिंदगी में मेरे को 3 बार कि भाई नहीं निकला एग्जाम, और मैं दुख मनाता हूँ उसका, और ये बंदा बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए जा रहा है। मेरा साथी दोस्त मेरे को चिढ़ा रहा था इसी बात पे कि भाई तूने ज़्यादा ही पढ़ लिया, देख बिना पढ़े निकल जाता है एग्जाम, ऐसे ही करना था हमें, बट ठीक है दुख के साथ जी रहे हैं। तो जैसे कि वो मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा होता, उसी बीच में वो रिलेशनशिप में आ जाता है और वहाँ एक फाइट होती लंबी चौड़ी जो तुमने ट्रेलर में देख रखी है, वहाँ से उसको जेल में भेज दिया जाता है क्योंकि वो सिविलियंस को बहुत बुरी तरीके से मारता, आज मना कर देता मार मार के। बट जो एक्शन है वो टू बी ऑनेस्ट अच्छा है, मतलब तुम देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। वो जो एक पहली लात ही मारता है ना गुस्से में, ए! फिर जो उसको लात मारता है मिया भट्ट, एक तो साउंड मैं जान देखने गया था डॉल्बी एटमॉस था, बहुत तगड़ा साउंड आ रहा था, मतलब ऐसी आवाज आ रही थी ना चारों तरफ से, मजा। जब जैसे ही योद्धा अपने जेल में जाता है तो पहला गाना जो चल रहा होता है ना बैकग्राउंड में, वो एमसी शेर का था, मतलब गली बॉय का था, जिसमें एमसी शेर भी है, तो हाँ एमसी शेर का रेफरेंस मिला। मूवी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हीरोइक वे में दिखाना चाहते हैं हर कैरेक्टर को। और मूवी में बेस्ट जो चीज है उसके बारे में जरूर बात करेंगे, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, मतलब वो जहाँ हिट करता है ना वो हाँ हिट करता है, जब पंच सीक्वेंस होते हैं, जब लात पड़ती है तो साउंड पड़ता है कान में, वो लिटरली अच्छा है। और मैं मूवी देख रहा था तो पीछे से हेट मिल रहा है, इतना निकल चुकी आ गई भाई जेल में जिसको पढ़वा दिया, आ गई फिर कलेश करने। मैं जिस थिएटर में गया था उसमें एक्शन सीक्वेंस में नहीं तालियां बजी सीटियां बजी, बट जब रोमांटिक सीक्वेंस हुए, जब टची टची हुए वो एक रिलीज, तब लोग भाई मजे मार रहे थे, सीटियां बजी तालियां बजी, देख रहे हो हराम थिएटर। और मूवी के साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मैं निकट के लिए मूवी देख रहा था, और कुछ कुछ शॉर्ट्स के तो बिल्कुल ही मेरे को मतलब नहीं समझ आए। देखो जेल में है वो बंदा, निकलने वाला है, 9 महीने हो गए, उसने अपनी सजा काट ली है, अब जिस टारगेट तक उसको पहुंचना था उसका एक बंदा है जेल में, तो वो उससे आखिरी दिन मीटिंग करने जाता है, वो एक कुर्सी में बैठा हुआ है जो जेल में उसका बंदा है, और ये अपने युद्धरा साहब इंडियन टॉयलेट में जैसे बंदा बैठता है वैसे बैठा होता है, पर मूवी में वो सीन में हगा ही है। मूवी थोड़ी हाइप अप करती है आपको बिल्कुल राघव की एंट्री से, कुछ कुछ सीक्वेंस अच्छे हैं नो डाउट, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा नहीं तो बहुत गद्दारी हो जाएगी मूवी के साथ, जिसमें से एक सीक्वेंस आता है अंडर वाटर, क्योंकि वो जब आता है ना एकदम से पहले कैमरा उल्टा होता है और फिर वो एकदम से दिखाते हैं अपना कैरेक्टर उल्टा कैमरा, वो सीक्वेंस अच्छा लगता है। बट जैसे कि मैंने बताया कि इस मूवी में फ्लॉज ज्यादा दिख जाते हैं, पता नहीं क्यों, बट है क्योंकि उसी सीन में जब फायरिंग करता है वो अंडर वाटर, वो इतनी आर्टिफिशियल लगती है, मतलब तुम खुद देखो तुम्हें भी लगेगा कि लिटरली लाइक दैट यू ब्रो ब्रो
ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरे दिमाग में हो गया था अर्पित वाला ये बहन। और मूवी मेरे को समझ नहीं आया बाय द वे व्हाई सरदार इज सो इजी टू किल, मतलब वो सरदार है ठीक है जो इस ड्रग लॉर्ड का सबसे ऊपर है, वैसे ही छुट्टियां मना रहा होता और तुम मारने पहुंच गए और मर गया तो अभी तक क्यों नहीं मरा था और उसमें युद्धरा क्यों लगा। और मूवी में राघव का डांस जब आता है तब मेरे को लगता है यस भाई राघव भाई एक्टिंग चाहे कहीं पे भी आए डांस इज द बैकबोन, क्योंकि लिटरली मजा आता है जब वो डांस कर रहा होता ना बंदा। तो मूवी हमें ट्विस्ट के पास रखना चाहती है कि आप ट्विस्ट दे देंगे इनका दिमाग खराब हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है एंड ऑफ द मूवी तक, क्योंकि रहमान को एक बार वो अलग साइड में दिखाना चाहते हैं बट फिर थोड़ी जल्दी ही वो बता दें कि रहमान पॉजिटिव पाथ पे ही है, कौन पॉजिटिव पाथ पे नहीं वो आगे पता चलता है। और मूवी में एक सीक्वेंस है जहाँ पर रहमान मर चुका है, निखत होती है उसका फ्यूनरल करने के बाद, पोर्चुगल वापस पढ़ाई करने जा चुकी है, युद्धराज निखत के पास जाता है क्योंकि उसके पास अपेरेंटली पासवर्ड है, उस कंटेनर में ड्रग पड़ा हुआ है 5,000 करोड़ का। तो उस टाइम पोर्चुगल जाता है युद्धराज निखत के पास और दोनों भूल चुके हैं चीजें, जैसे एक का बाप मरा है और एक को कोकेन का इतना बड़ा कंटेनर वापस देना है नहीं तो उसको मारेंगे, पर दोनों क्या कर रहे हैं ये सब तो होता रहेगा। अभी वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में, रोमांस ही चल रहा है भाई, रोमांस चालू कर दिया वहाँ उन्हें, नहीं मतलब बाप कल गया ना हो गया अब मैं फ्री होना चाहती हूँ, और लौंडा भी अब ड्रग वर्ग क्या ही है ड्रग वर्ग देख लेंगे, अभी रहमान तुम्हारी है मैं मजे लूंगा। जैसे ये रोमांस खत्म होता तो एक गाना चल रहा होता, उस गाने के बाद ही एक सीक्वेंस आता है जिसमें वो निकट को बाय कर रहा होता है क्योंकि निकट जा रही होती है अपने हॉस्पिटल पढ़ाई करने, और अपना जो युद्ध है वो कच्चे में खड़ा है खिड़की पे बटाटा बाय वगैरह उसको देता है राघव जुआल। ठीक है मैं मूवी स्पॉइल कर रहा हूँ बट डोंट वरी इतनी कुछ वो तगड़ी चीज नहीं हुई है। उसके बाद जैसे ही उसको दिखता है कि राघव जुआल निकट के पीछे जा चुका है वो क्या करता है, तो मैं पता है कि एक्शन मूवी है तो एक ऑब्वियसली वो खिड़की से कूदेगा बट कैसे, और वो अंदर जाता है जो अमीरों वाला कोट होता है वो पहनता है और कूद जाता है, लूप होल किसी ने नहीं पकड़ा मैंने पकड़ा, जूते पहन के कौन घूमता है भाई अपने घर में ये बताओ, तू एक सेकंड पहले कॉफी पी रहा था वो जूते पहन के भाई अपने घर में वाओ। और इसके बाद जैसे एक लूप होल बताया दूसरा बताता हूँ, ये एक दिन पहले आया है निखत से मिलने ठीक है, इसको गलियों के रास्ते पता है और उसने एक बाइसाइकिल चोरी करी और उस बाइसाइकिल को भगा रहा है अंधाधुंध रास्ते पे और उसको रास्ता पता भी है अपेरेंटली, एक दिन पहले पोर्चुगल आया है और ये लौंडा, पर वो कैसे आता है वो तो तुम्हें नहीं जानना मुझे पता है, क्योंकि वो मूवी वालों ने भी नहीं सोचा होगा कोई ये सवाल पूछ लेगा ये इतना ट्रैवल कैसे कर पा रहे जब इतनी चीज़ें चल रही बैकग्राउंड में। तो और फिर मूवी आती है एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर वो अपना जो अच्छा पोटेंशियल वाला विलन आर्क हो सकता था एक कैरेक्टर का उसको ख़त्म कर देती है और उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको भी रिवील करने की कोशिश करती है, और जो उसका बॉयफ्रेंड मरता है बांसुरी गले में लगने से और वो बजने लग जाती है बांसुरी, वो फनी था देखो वो फनी था डायरेक्ट करने भी वही सोच के डाला हुआ और मजा आता उस सीन में टू बी ऑनेस्ट। और इस मूवी को देख के अर्पित वाला जरूर कह गया बहन ये बहन करोड़ा जान दिख जाता ना मुझे चिड़ और मस्ती है, ये मेरा पर्सनली था ये तो मैंने अर्पित का नाम ऐसे ही लगा दिया बट मेरे दिल से नहीं। और मूवी के डायरेक्टर ने सोचा था लास्ट के 20 मिनट में ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारूंगा इनका ऐसा तैसी हो जाएगी दिमाग की, बट ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि तुम बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर लोगे अगर थोड़ी भी स्टोरी को सही से देख रहे हो जो चीज़ें चल रही हैं मूवी में, तो तुम बहुत लाजमी प्रेडिक्शन है करनी, अगर नहीं कर पाते हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। लास्ट के सीक्वेंस में फालतू का VFX डालते हैं जो मूवी के अंदर अच्छा नहीं लगता है, और मूवी के अंदर राघव जुआल को बहुत कम यूटिलाइज किया गया, पता नहीं क्यों बुलाया था जब तुम्हें उसको एक आर के नहीं देना, मेरे हिसाब से ये अच्छा होता कि तुम राघव जुआल के कैरेक्टर को जिंदा रखते हो उसके बाप के कैरेक्टर को मार दे, तो एक वो होता ना कि बाप मर गया अब लौंडे के अंदर जान है और वो अब कुत्ता बना के मारेगा, बट ऐसा कुछ हुई। और जैसे कि मैंने ट्रेलर में कहा था कि जॉन विक की कॉपी हो सकती है, बट मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूँगा क्योंकि अपना जॉन विक तो पेंसिल से मारता है, इसने लॉलीपॉप की डंडी से मारा है बंदा ठीक है, और तुम खुद सोचो विलन के नाम पर क्या बेइज्जती है अगर तुम लॉलीपॉप से मर गए क्या शक्ल दिखाओगे ऊपर विलन को। और लास्ट में फिर एक सीक्वेंस आता है जो तुम्हारे दिमाग को सोचने में मजबूर करता है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर भागती लड़की को एक रूम में नहीं मार पा रही तो कैसे पुलिस ऑफिसर बनी है बिना ट्रेनिंग के, इलॉजिकल मूवी है। एट लास्ट टॉक्सिक फादर सन रिलेशनशिप के बारे में, और एक सन जो सच में सन की है ये पता कौन सी चीज़ है, ये है एनिमल, बट एनिमल ज़्यादा ही ब्रूटल वे में ठीक है। तो अगर तुम्हें मूवी देखनी है तो तुम जा सकते हो आज, वैसे भी 100 रुपये की टिकट है तो हाँ मस्ट वॉच बिल्कुल नहीं है ठीक है, इससे अच्छा तुम्बाड़ देख लो, बट तुम्बाड़ तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि
सारे शोज खोले, मैं खुद सोच रहा था कि अगला शो देखने चले जाऊँ, आज ये पैसा सारा उड़ा दूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो हाँ, मूवी वन टाइम बहुत ज़रूर है, वो तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए, बट हाँ तुम इसको बहुत ज़्यादा अच्छी सोच के जाओ तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो हाँ, अब मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले रिव्यू के साथ, अगली वीडियो में, जिसमें मैं शायद से किसी पुरानी मूवी जिस पर बात करूँगा, कंपैरिजन वीडियो होगी। तो हाँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, और जल्दी जल्दी मेरे आधार कराओ, मतलब 19 अक्टूबर से पहले होना। तो देखो PNFTV कॉपी नहीं कर रहा, मेरा बर्थडे सेम डेट को आता है, ठीक है, बाय बाय।